भगवान श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 बीसी को दोपहर 12 से 1 बजे के बीच हुआ था और महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण के पहले कांड के 18वें यानी कि 18th चैप्टर में ये बताया है कि भगवान राम के जन्म के वक्त स्टार्स, प्लैनेट्स और कॉन्स्टेलेशंस की क्या पोजीशन थी। जब इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदास ने इन एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस को प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाला तो ये पता चला कि स्टार्स, प्लैनेट्स और कॉन्स्टेलेशंस की ऐसी पोजीशन 10 जनवरी 5114 बीसी को दोपहर के समय हुई थी। इस डेट को जब हिंदी कैलेंडर में कन्वर्ट किया तो पता चला कि ये डेट चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के 9th डे पर आती है। एंड यस, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के 9th डे पर भगवान श्री राम का जन्म होना कहीं ना कहीं सबको सच कर देता है, क्योंकि ये वही तिथि है जब भारत में हर साल रामनवमी मनाई जाती है।